बॉम्बे से भारी अंकल जा रहे हैं। तो गाइज मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने एक्सरसाइज भी कर ली है और आज नानू को हो गया है लेट घर आने के लिए, क्योंकि एज जैसा कि पता है दिवाली आने वाली है और वेडिंग सीजन भी स्टार्ट ऑलरेडी हो ही चुका है, तो उसको कभी जल्दी आ जाती है कभी वो लेट हो जाती है और आज तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है। अभी आप देख सकते हैं 9 बजने वाले, अभी तक वो घर नहीं है, मतलब लेकिन वो ऑफिस के से निकल चुकी है। और तो हमारा कुछ प्लान था क्योंकि दिवाली की कुछ भी तैयारी नहीं करी है हम लोगों ने, और ये जो फोटोज़ हैं ये तो निकलवानी है, ये तो मैं बोल दूँगी उसको, फिर वो कहीं अपने ऑफिस के आसपास से निकलवा लेगी, तो यहाँ हमारी फोटोज़ है ये। और हमें क्या करना, हमें कपड़े भी खरीदने हैं, जैसे आपने बोला कि आपकी दिवाली की शॉपिंग हो गई कि नहीं होगी, तो हम जब आज करने वाले हैं दिवाली शॉपिंग, शायद कुछ मिल जाए बढ़िया सा पहनने के लिए कपड़े वगैरह, तो लेट्स सी। मैंने उसको बोला हमारे दूसरे घर मिल ले यार, इनऑर्बिट जा रहे हैं हम इसलिए। तो ये देखो मैं बेटा को इसके कान में रुई डाल दी है क्योंकि थोड़े से पटाखों की आवाज़ आ रही है तो ये डर जाता है, तो इसलिए अब हम इसको ऐसे सेव करके चलना पड़ता है मेरे बेटे के लिए। तो मैं निकलती हूँ घर से और वो ऑलमोस्ट शायद पहुँच जाएगी, मुझे भी हार्डली 2-3 मिनट लगेंगे, तो लेट्स गो इन ऑर्बिट, वहाँ मिलवाते हैं हम आपको नानू से जब वो आ रही होगी तब। गाइस तो मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे HNM और मैं नानू का वेट कर रही हूँ यहाँ पे, तो वो आ जाए मैडम कहीं से निकल के, मैंने उसको बोल दिया कि वह HNM आ जाए। तो मीन टाइम मैंने सोचा खाली खड़े खड़े मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँ, अगर टाइम पास कर लिया जाए गाइस, तो मैं उन्हें कपड़े देख लेती हूँ कुछ यहाँ के लिए, मुझे अच्छा सा मिल जाए तो। बाय द वे हाउ इज़ माई आउटफिट, इसका कॉल आ गया था गाइस, पता नहीं क्या है, मैंने उसको बता दिया चने में हूँ मैं। तुम कब आ गई? अभी अभी। तुम ये कोट पहन के कहाँ घूम रही हो? ऐसा लग रहा है। नाइस। चलो। गाइस ये आ चुकी है विदाउट एनी एक्साइटमेंट, ना मिलना ना ढलना। अजीब हट रहे। ओके गाइस तो दिवाली है और हमारे सेकंड होम में सजावट हो चुकी है, उसके पहले डेकोरेशन लाई हमने। हमारी लड़की हमसे गुस्सा हो जाती है 2-2 मिनट। देखा हट तुरंत, अभी तक इसको याद नहीं था कि मेरे पास गुस्सा है, ठीक है अभी अचानक से याद आ गया इसको। मैं तो ऐसे ही पर मेरे गुस्से की वैल्यू वहाँ रह गई है, वैल्यू चाहिए इस लड़की को, वैल्यू समझ रहे हो गाइस, यहाँ पे लोटस फ्लावर खिले हैं। हमारी लड़की दिखाई गई आपको यहाँ का डेकोरेशन, हमारी लड़की दिखाई गई यहाँ का डेकोरेशन देखिए। मैंने तो करी है, एकदम सेम कपड़े लग रहे हैं दोनों में, मैचिंग्स भी हो रहे हैं देखो। नहीं जिसे कहते घर की डेकोरेशन, दोनों एकदम सेम टू सेम अच्छी लग रही है इसे। हाँ लड़की डेकोरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा है मुझे तो लोटस वाले, मैं तो मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, अच्छी लग रही है। गाइस लोटस वाले फ्लावर है और उन पे वो हेलीकॉप्टर भी बैठे हैं। कहाँ हेलीकॉप्टर? अच्छा यहाँ हेलीकॉप्टर बैठा गाइस, ये फ्लावर है देखो हमारी लड़की, अच्छा लग रहा है। चलो और बस, और हट आगे कुछ नहीं गाइस, अभी बस जो आए पहले वो काम कर लेते, उसके बाद मिलेंगे, हम जा रहे हैं कुछ देखने, जैसा कि आपको बताया था कि हम दिवाली के लिए कुछ आउटफिट्स देखने आए हैं, तो HNM चले गए थे सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले HNM ही बंद हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ मिला नहीं और वहाँ पे कुछ ऐसा इंडियन वाला होता भी नहीं है, बस अब जा रहे हैं नानू का कुछ कुर्ता उर्ता देखने, वो मैडम पीछे रह गई, उसको आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चड्डी बनियान खरीदवाएगी क्या? कितने का? फ्लैट 50। चड्डी बनियान खरीदवाएंगे ये दीदी मेरे को। फिर वो अच्छे वाले नहीं मिलते हैं। यहाँ जा रहे हैं हम। बड़े मॉल्स में ना ऐसे बड़ी चीज़ें होती हैं, देखो हमारे यहाँ मॉल में हमारे सेकंड होम में गेम प्ले भी हो रही है, यहाँ पे मशीन लगा दी है वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त, और यहाँ चल रहा है मारियो गेम। हाँ। बचपन में आप सबने बहुत खेला होगा, मुझे छोड़ के मैंने नहीं खेला। तो ये लड़की यहाँ पे प्ले कर रही है और मैं भी प्ले कर रही थी, पर मेरी गाड़ी नहीं चली है, देखो मैं ही गाड़ी प्ले कर रही थी, टाइम ओवर हो गया इनका। गाइस दिवाली शॉपिंग इज ऑन एंड हमें ये अच्छा लगा, हम माय हैप्पी प्लेस।
हाँ एक्चुअली वो तो देख के भी आ गए, बट वो तो मजा नहीं आया लिया नहीं क्योंकि हमें पसंद ही नहीं आया जो हमने लेने आए थे नानू के लिए। कुत्ते देख रहे थे हम, कुत्ते लेने आया हम, कुत्ते बट मेरे को ये देख इधर देख इधर देख ये वाला देख आराम से ऐसे वाइब्रेंट कलर होता है ना घर में फोटोज में। कौन सा कलर? वाइब्रेंट। अच्छा मुझे वायरेंट तो वो है। ए ये देख ओपन इट, ये तू है, ये तू है, ये कितने का? सर कवर गाइस, तकिया भी नहीं दे रहे गाइस, तकिया भी नहीं दे रहे। ये तो अभी इतना ये नहीं है कि हम इतना महंगा ले रहे हैं, अच्छा घर पे बना ले गाइस, एक दिन जरूर आएगा मैं लूंगी ये, ठीक है। वाओ जब हमारा अपना घर हो जाएगा ना हम एक एक चीज बढ़िया बढ़िया लाएंगे पक्का। वो तो फिर उसी मार्केट में जाएंगे जहाँ से एक्चुअली आते हैं। पर ये मोती वालों का क्या करने का, चोरेंगे ये और निकल भी गए तो अच्छे लगेंगे। देखो रहा जो हमने उठाया था वो रहा। ओके चिटा ये पता ना गाइस, हमारा जो घर पैर पहुंचते जिससे बाय। हैप्पी दिवाली गाइस, हमारे सेकंड होम की तरफ से इनऑर्बिट वाली हैप्पी दिवाली। बोर आ जाती है अब तुम्हारी बारी, तुम बैठोगी अब, अभी इसको बिठाएंगे, इतना बोर आए मैं करती हूँ, ये इसको भी करना चाहिए इस चीज़ें। ओह माय गॉड, हैं हैं कहाँ टेढ़ते रहे बैठते ही गाइस, के बैठते हर चीज़ ख़राब हो जाती है ना भाई। हैप्पी दिवाली इन एडवांस गाइस, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने हमें बोला फोटो लेते तेरी, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पहले ही बोल दिया हैप्पी दिवाली इन एडवांस, तो हम भी आपको बोल रहे हैं हैप्पी दिवाली इन एडवांस। जाओ आ जाओ, चलो लेंगे, तुम बैठो पहले, हमारी फोटो को एक फोटो ले लेती हूँ, फिर बाद में रोती है मेरे को, बोलती है बाद में कि मेरी फोटो तो कोई नहीं लेता, तो मैं ले लेती हूँ। गाइस यहाँ पे पंकज भारी अंकल जा रहे हैं, जो लोग बोलते हैं कि मैं हेल्दी नहीं खाती हूँ तो यहाँ पे इन्होंने मुझे हेल्दी खाना खाया। पहले हम बता दें आपने जिनको इसकी जस्ट पहले देखा, अभी हम उनसे मिल के आए हैं, नो फोटोज नो वीडियोज बट हम उनसे लाइव मिल के आए हैं, हम मिल के आ गए उनसे, उन्होंने बोला कि मैं फैमिली के साथ हूँ, नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब होगा। तो बात यहाँ पे ये है कि हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हमने खाना ऑर्डर कर दिया था, बट स्टिल हमारी रेस्टोरेंट में इतनी पहचान है कि हम खाना छोड़ के बाहर तक गए हैं, और उन्होंने हमें जाने दिया बिना बिल पे किए, नहीं जाने थे यार। हाँ और हाँ जहाँ तक अभी बात रही हेल्दी की, दो खीरे दे दिए टमाटर के साथ, और इधर खाना, और इधर हमारी कॉफी, इधर ये लड़की, इधर मैं, खाना खाते भूख लग रही है, चलो बाय। हाँ जा, ये हमारी लड़की नौटंकी करते हुए, ये व्लॉग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ये लड़की हमारी दीदी एकदम, पता नहीं क्या हुआ बट कुछ तो हुआ। गाइस लड़की बड़ी चाची हो गई है, मुझे इस लड़की से कभी कभी ना ऐसे बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, कभी इससे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। इतना टाइम हो गया इसको मेरे साथ रील बनाते हुए, अभी ना आज हम इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, तो इंस्टाग्राम लाइव पे लोगों ने बोला कि आपकी रील्स बड़े अच्छे होते हैं, किसका आइडियाज होता है, तो मैंने कहा इसका नहीं होता, मेरा ही होता है सर बिल्कुल, जैसे कि अभी अभी जो पीछे वाला जो शॉर्ट देखा है, मैं अभी वही रील थोड़ा स्टाइल में ब्लॉग बना रही थी, लेकिन इस दीदी को समझ नहीं आया, इन्हें फोन ही उठा लिया, वो एक्चुअली लो एंगल से बनती है, चले जाते आगे ऐसे, बट कोई बात ऐसी डायरेक्टर होती है, डायरेक्टर ने थोड़ा अच्छे से नहीं बताया तो फिर फोन उठा दिया हमने। चांच कितनी, इसमें भी हमारी गलती है, कोई बात नहीं भाई, कैमरा मैन तुम हो, बिहाइंड द सीन तुम करती हो, तो तुमको ये सब पता होना चाहिए, अब फोटोज के अलावा वीडियोग्राफी नहीं सीखोगी क्या? सीखी हुई है यार, ऐसे मैं बोली इमेज में देख लो गाइस, उसके भी मैं ही बताती हूँ, झूठी कहेंगी, फोटोग्राफी तो मेरी होती है ना, आज आप आज इसको छूट है, इसकी चल रही है कॉफी, गाइस ये देखो इन्हें क्या कटोरिया लगाई है, गाइस मेरी वाली तो चल रही है, देखो एग्जैक्ट इसी कैमरा के पीछे जो मेरी वाली चल रही है, कहाँ चल रही है, मैं खड़ी हूँ, खड़ी है तो मान लिया गाइस, बस एक्सेप्टेड, डन डन डन, ईवी ने किया एक्सेप्ट, या
तो आप जानो क्या किया, क्या किया एक्सेल? कुछ नहीं, जल्दी बता। कुछ नहीं, क्यों रहा है ना, चीटिंग कर, तुमने अब भी बोला। मैंने क्या बोला? पूरी लाइन सुन लो, पता चल जाएगा क्या बोला। अरे अपनी शक्ल दिखा ले गंदी सी, जो बैकग्राउंड में बनाई जा रही है बिहाइंड द कैमरा। गंदी शक्ल मैं बनाती हूँ कि ये बनाती है? गाइस आज तो जवाब दे ही दीजिए, आज तो दे ही दीजिए कि इसने किस चीज के लिए हाँ की है। नहीं, आप इसका जवाब दो, आज आपको ही जवाब देना पड़ेगा। क्या? कि एक तो पहले की क्वेश्चन आपका ये है, ये आज हमारे क्वेश्चन है और आपका जवाब होंगे, होंगे फिर से आपकी होंगे। क्या होंगे? कि कौन अच्छी वीडियो बनाता है, लाइट नहीं आ रही, शर्मा। कौन अच्छी वीडियो बनाता है? ईवी शर्मा। और कौन मुंह अच्छे बनाता है? मुंह अच्छे बनाता है ईवी शर्मा। नानू गंदे मुंह नानू बनाते, वही अच्छे गंदे एक ही होते हैं, बड़े खड्डा है, गिरोगी नहीं तुम। आप उसमें उल्टे चल रहे हैं क्योंकि हमने भूत देख लिया अभी अभी, तो भूत देख रहे तो उल्टे चलने। बताओ कहाँ है ये, भागो। देखो भूत की इतनी बड़ी शैडो, ये रहा भूत, ये रहा इसकी शैडो, इतनी दूर तक ही है ये हमारी भूत है ये। गाइस देखो गाइस, चंदा मामा दिखाएं आपको, ये देखो, ये देखो चंदा मामा, ये देखो चंदा मामा, गाइस चंदा मामा है इसके यहाँ पे, चंदा मामा नहीं आ रहे ये अब देना। चंदा मामा तेरे फोन में दिखाएंगे ना, चल पागल। गाइस के फोन में चंदा मामा दिखाते हैं, रुको। और ये हमारी फेवरेट बिल्डिंग, और ये देखो इसके फोन के भी एक कलाकार दिखाना थोड़ा ना छोड़ देंगे भाई। ये देखो तुमने ही बोला ना, मैं तो चल जा रहा था चुप करके। फोटो खींच के दिखाओ, और ये देखो बिल्कुल अंदर तक का भी दिख रहा है इसके, चंदा मामा में कौन रह रहा है। देखो वहाँ एक अंकल भी चल रहे हैं। अरे हिला मत पागल, इसमें मैंने हिलाया, खुद हिल रही है, मैंने टच भी नहीं किया है अभी। गाइस इसको फिल्टर करेगा थोड़ा सा इसका फोन, तब फोटो देगा। मैं रोक ही नहीं पा रहा अपना हाथ। अरे भाई हाय मम्मी, पीले चंदा मामा, सूरज मामा नहीं दिखाने दे, सूरज चाचू आज पीला ही है पूरा। गाइस इसके में सूरज चाचू दिख रहा है, बेइज्जती करा दी इसके फोन ने आज। गाइस बेइज्जती करा दी इसके फोन ने, अब दिल पे ले लेगी, अभी बढ़िया फोटो खींचेगी। एनीवेज आप ये देखो डेकोर इन ऑर्बिट का, कितना सही डेकोर हो रहा है। आए आज की चंद पीले हैं, तो गाइस आज के चंदा मामा पीले हैं, सन लाइट आ रही है इनके ऊपर आज पूरी की पूरी। कल ज्यादा ही चांद चांद हो गया था ना, चांद इतरा रहा था, कल इतरा रहे थे ना पूरे। हाँ तो अब सूरज मामा ने कहा कि सूरज चाचू ने कहा कि आज तू उतरा के दिखा देगा। गाइस अब बस खर्च नहीं है, घर जाना है, कल ऑफिस जाना है, मजदूरी करना है। और आज तो ऑफिस में पता है मैं 9:30 बजे पहुंच जाती हूँ भाई, लिटरली सुबह से मैं फोन पे बिजी हो गई थी आज। और यहाँ पे म्याऊं बैठी कि नहीं पा रही म्याऊं। ये देखो इन्हें ईवी शर्मा लिखवा रखा स्कूटी पे, और चलाती नानू है। और क्या कहना चाहते हो तुम, अपनी बाइक पे ज़्यादा ही चला रही हो, कब खरीद रही हो गाड़ी? अगले साल, अगले साल इसने बोल दिया है ना गाइस, तो अगले साल गाड़ी आ जाएगी। अब ऐसा है तो जो लोग पूछते आप गाड़ी कब ले रहे हो, आप कार कब ले रहे हो, तो कार लेने का सोचा हुआ है हमने, होपफुली पास हो, अपार हो ना हो ट्रैवलर को। जैसे हमने गाड़ी के लिए सोचा हुआ है फोर व्हीलर, और हमने एसयूवी ही सोची हुई है लेने के लिए, तो होपफुली जिस तरीके से प्लानिंग है तो शायद हम नेक्स्ट ईयर ले लेंगे गाड़ी, या फिर उससे पहले एक और चीज़ लेनी है, तो दोनों में हम कंफ्यूज हैं। मतलब क्या लेंगे पहले, घर या गाड़ी, ऐसे ही तो चल रहा है। मम्मी ने बोला कि पहले घर लो तभी गाड़ी लेने का मतलब होता है। हाँ और हम कह रहे हैं कि हम सोच रहे थे कि पहले छोटा घर ले लें क्योंकि यहाँ घर तो बड़े महंगे हैं, 1-1 CR तक के जा रखे हैं भाई यहाँ का प्राइस। ये वो जो CR वर्ड होता है ना, बहुत बड़ा वर्ड होता है। हाँ इतना तो पैसा ना जुड़ पाएगा ऐसा लग रहा है, मतलब जुड़ भी जाएगा तो और भी चीज़ें करनी पड़ेगी। जिंदगी बहुत छोटी है उतना बड़ा अमाउंट के लिए, तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि छोटा ही घर ले लेते हैं, गाड़ी में अपन तीनों निकल जाया करेंगे। जैसे हम हॉस्पिटल लेके नहीं आ पाते तो वरना हम जाकर फिर ऑर्बिट में नहीं दिखेंगे अगर गाड़ी हो गई तो, फिर हम हर सैटरडे संडे तो नावला हिल स्टेशन ऐसी जगह पर मिलेंगे आपको। गाइस लुक एट दिस गर्ल हाउ शी इज स्टैंडिंग।
ये कर क्या रही है? ये देखा बिल्कुल। तो गाइस बात ये है कि घर तो पहुंच गए थे और शुभ बाहर से सुपर टीवी कराया है एंड हमने सोचा कि एक्चुअल में जो फोटोज जो आपको दिखाई है बाहर जो लगाई है हमने उसको यार चार वाली और इस वॉल के लिए और दो जो पेंडिंग है वो रात को हम सोते सोने के पहले जब हम ये ब्लॉग खत्म कर देंगे उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कौन सी चाहिए कौन सी नहीं। एक्चुअली हमारे पास ना चार छोटी मतलब चार नहीं हमें तो तीन ही चाहिए ना उसमें एक तो वही रहेगी तो तीन बाहर के लिए दो यहाँ के लिए तो मतलब पांच फोटो सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन हजारों में है और जिस पर हमने शॉर्ट लिस्ट रखी है 30-40 उन 30-40 में से हमें निकालनी है पांच और उस पांच में से सोचनी है ये पांच में सोचने की दो बड़ी कौन सी होनी चाहिए और उनमें से तीन छोटी कौन सी होनी चाहिए जो वहां के हिसाब से अच्छी लगे। भाई बहुत बड़ा टास्क है ये हमारे पास। ए बैकग्राउंड म्यूजिक गए। ये बात ये है कि पांच फोटो के लिए मेरे फोन में पता है मैंने उसको एक स्क्रीनशॉट भेजा था कि मेरे फोन में 90,000 फोटोज हैं ठीक है जिसमें से आएगा बोल दो कि 80-90% फोटो जो इसकी होंगी कब की कैसी ऐसी वैसी सारी मोस्ट ऑफ मतलब इसकी फोटोज जितनी मेरे पास होगी ना इसके खानदान से लेके इसके फ्रेंड सर्कल से लेके इसके पास खुद भी इतनी फोटोज नहीं होगी जितनी फोटोज मेरे पास होगी। इट्स लाइक मेरे पास इसकी फोटोज का खजाना है और ऐसी अतरंगी फोटोज है ना जो ऐसी की तैसी कर सकती है ऐसे अतरंगे मुंह बनाई हुई पता नहीं अजीब जिस लेवल की होती थी वैसी भी फोटोज है। अब बात यह है कि वैसी फोटोज भी आज तक डिलीट नहीं हुई है और इस डिलीट ना होने के चक्कर में मेरा फोन इतना भर चुका है कि उसमें वीडियो बनाने की स्पेस तक नहीं बची है। अब उसके लिए मुझे एक हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी। आज मैं अपना हार्ड डिस्क चेक कर रहा था भाई साहब हार्ड डिस्क कितनी महंगी हो गई है पता है हार्ड डिस्क कितने की है 5,000 रुपए की है। जीजे हार्ड डिस्क चाहिए मेरे को ये मेरे को हार्ड डिस्क लेकर जाएगी दिवाली में सोन पापड़ी जैसे गर्ल को सोन पापड़ी ही देंगे सोन पापड़ी दे दूंगा मैं तुम मुझे हार्ड डिस्क दे दो तो तुम्हारे हार्ड डिस्क जैसे गर्ल ला तुम्हारे तुम्हें हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क दो अपने हार्ड डिस्क बिल्कुल देख लो गाइस महंगा दूं तुम मुझे सस्ती सोन पापड़ी में निपटा दोगी तुम बोल लो तुम्हें क्या चाहिए मैं बोल दूं बोल लो अल्डो का 15,000 वाला बैग मेरी हार्ड डिस्क 5,000 की है गाइस 3 हार्ड डिस्क खरीद लूंगा मैं और 15,000 का बैग चाहिए इसको शक्ल देखो जरा शक्ल देखो 15,000 वाली इससे भी महंगी है। अच्छा गाइस ये वैसे एक बात ना ये बैग मैं कब से मांग रही हूँ मेरे को ऑफिस आने के लिए बैग नहीं है मैं स्लिंग बैग लेके जा रही हूँ आजकल ऑफिस मेरा ऑफिस वाला बैग भी नहीं है मेरे को सीके पसंद आया था वो बिक गया आज वहाँ पे एक भी सीके बैग नहीं था फिर अब मेरे को पसंद मैंने आपको फोटोज दिखाए थे मेरे को दोनों में से कौन सा बैग पसंद आ रहा है मैंने आपको दिखाया था कुछ किसी पहले वाले ब्लॉग में आज फिर अल्टो देख के फिर मेरा मन बड़ा सा हो गया पर मैंने कहा 14,000 का बैग वो 3,999 ऐसे पर इतना महंगा बैग फिर मैंने सोचा इस मंथ फिर नहीं ले सकते नेक्स्ट मंथ देखेंगे अब विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट मंथ नाउ लेना तो है मैं तो लेकर आऊँगी फरमाइश छोटी नहीं होती ना गाइस फरमाइश से थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ जाता है ऐसी चीज़ों के लिए ऐसा ये रोज़ फूल ये सब तो टेम्पररी चीज़ें होती है गाइस सब से चलती रहती है असली चीज़ें तो ये होती हैं बैकग्राउंड की जो बड़ी बड़ी होती है। अब ये देख लो आधी रात को ये अपना बैग निकाल के बैठ गई है क्या कर रही है ये सीलिंग बैग लेके घूम रही है अभी इसको आधी रात को ये चाहिए मतलब क्या है ये मतलब ये कि मेरे इतने टाइम से नेल बेंड नहीं लगाया और गाइस मेरे नेल बड़े हो गए टूट जाएंगे और मुझे दिवाली तक नेल चलाने हैं चलाने मतलब क्या मतलब तुम्हारा नहीं लगाने
मेरे देखो नेल तो बड़े हो गए, मेरे ओरिजिनल नेल्स हैं। चलो व्लॉग एंड कर लेते हैं गाइस, अब सोने का भी बारी आ गई है। वैसे गाइस आ चुकी है सोने की बारी। किसकी बारी? सोने की बारी। चांदी की बारी कब आती है? चांदी की बारी कब आती है? ये मेरा आ गया क्वेश्चन था, इसने क्वेश्चन मेरा हटा दिया गाइस। तो गाइस आज के इस दिवाली के शुभ अवसर पर गाइस देखो हमारी दिवाली की तैयारी होने लगी है स्टार्ट, क्योंकि अभी जैसे कि आपको पहले बोला था मेरा नेल टूटने वाला है। पहले क्या बोला था? इसके पहले आपको बोलता कि अभी हम क्या बोल रहे थे, दिवाली पे हमें होम टूर देना आपको, तो हम चाहते हैं हम दिवाली तक अपना घर पूरा का पूरा एकदम सेट कर लें फिर आपको दिखाएं, क्योंकि आप लोगों ने भी हमसे बोला है कि आप अपने घर का टूर कब दोगे। देंगे, जल्दी ही मिल जाएगा आपको, बस हम थोड़ा सा वो देखो होता ना कि जब कोई मेहमान या फिर कोई भी आता है घर में हम एकदम अच्छा करके रखते हैं घर, तो मेरे को भी चाहिए जब आप हमारे घर में अभी वर्चुअली वर्चुअल टूर करो तो घर आपको अच्छा लगे और वैसा रहे जैसा हमने सोचा है, मतलब इसने सोचा है। इसमें सोचने में मेरा कोई भी वो हिस्सेदारी नहीं है गाइस। मैं सोचती हूँ ये कर देती है बस उतना ही है, बस इतना ही है, ऐसे ही होता है गाइस। तो हमारे डायरेक्टर साहब यही है ओवरऑल में, चाहे वो घर की हो चाहे वो वीडियोस की हो, तो डायरेक्शन मैडम का ही होता है। सोचने लग जाएंगे तो लड़ाइयां हो जाएंगी ना। बात तो सही है, इसलिए एक बंदा सोचता है एक बंदा करता है, दूसरा सोचे तो चुप कर जाने का। यस, वो भी गंदा सोचेगी होगी। ये मैं बता दूँ ये कहाँ पे अच्छा सोचती है। देखो गाइस इसके ये देखो मेरी सोच पीछे बैठी है। मैं बताती हूँ इसकी सोच अच्छी कहाँ होती है, रंगोली में कलर भरने की। तू मैं चार दिन गया पहले बहुत ही घटिया जोक था, बहुत ही गंदा पीजे था। बहुत बढ़िया था, तुमको अच्छा नहीं लगा, बस मैं तारीफ कर रही हूँ इसको, पीजे लग रहा है। देखो मैं तारीफ भी नहीं कर सकती। एचआर एचआर पीजे एचआर रंग है मैं एक मिनट तो एचआर सिर्फ रंग भरती का क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सिर्फ तो नहीं बोला, नहीं ये लाइन क्या मेंशन द अच्छा सिर्फ छोड़ दे, मतलब रंग भरती तो एचआर दी का क्या मतलब है ये नहीं समझ आई मुझे, क्योंकि ऑफिसेज में रंगोलियां ज्यादातर एचआर बनाती है इसलिए। सबकी अपनी अपनी एचआर गाइस कांड से नहीं ज्यादातर एचआर करती हैं, ठीक है। और अगर लड़कियां होती हैं तो करती हैं, मान में भी लड़की हुआ बेकार। तो गाइस चलो अब यहां पे करते हैं व्लॉग एंड। बोल दोगी? नहीं बोलूंगी। तो गाइस यहां पे करते हैं वाला व्लॉग एंड। आपको करना लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे है सारा लिंक। बाय बाय, गुड नाइट स्टूडेंट्स, गेट गेट टू सी, आई लव यू टीम। टैब रिकॉर्डर ऑन करवा तो बोल नहीं सकती, बताओ बैठी हुई है पता, जब मैं कुछ लगा रही हूँ तो बदतमीज ही है। बाय से बाय, मैं तो पक्की रहती बाय तुम्हारी, से बाय बाय गाइस।